ये देखो आप, अब हर बंदा अपने आप को समझता है, जानता है कि आपका बलिदान क्या है। हालेलुया, आप समय का बलिदान देते हैं प्रार्थना में, आप समय के बलिदान को देते हैं प्रार्थना में, आप अपनी इच्छाओं को खत्म करते हैं। आज सिर्फ होंठों से वर्शिप की जाती है, सिर्फ होंठों से गाया जाता है। आप उसकी जिंदगी को चेक करो, लास्ट बड़ा बीज कब तुमने बोया, लास्ट फुल नाइट प्रेयर तुमने कब की। लेकिन वो नहीं, इसीलिए आज की कलीसिया रिजल्ट लेने के लिए स्ट्रगल करती है। आपको स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। इब्रानियों 13 उसकी 15 आयत में लिखा है, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होंठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। वर्शिप भी एक बलिदान है, धन्यवाद कहना भी एक बलिदान है, पैसा देना भी एक बलिदान है, समय देना भी एक बलिदान है। अपने घर से आप निकलते हैं, सुसमाचार टीम का हिस्सा है, आप घर से निकलते हैं सुसमाचार को बांटते हैं, ये भी एक बलिदान है आपके समय का, आपके आपको एक बार बेइज्जती का सामना करना पड़ता है, आपकी इज्जत का। तो परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे लिए अपनी इज्जत का बलिदान देगा मैं तेरी इज्जत को 100 गुना बढ़ाऊंगा। करके देखो ऐसा, क्या वो करता है पूरा। लेकिन हमें डर लगता है, खासकर जब बंदा एक ऊंची पोजीशन पे होता है या पैसे वाला होता है, वो ये काम नहीं करना चाहता। इसलिए अगर आप देखेंगे तो उन पे आत्मा भी नहीं उतरता। वो क्रिश्चियन तो हैं, लेकिन उस तरह से जुम्बश नहीं करता परमेश्वर उनकी जिंदगी के ऊपर। अपने पड़ोसी को बोलो बलिदान चढ़ा। वचन कहता परमेश्वर ने क्या कहा, परमेश्वर ने कहा अगर तू देगा तो मैं तुझे कैसे दूंगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, प्रेस डाउन उसे फिर नाप कर। आप मांगती है ना कई बार पड़ोसन से आटा, अब बहन जी देखियो एक मैनू आटे दी, वो आटा देती है। तो परमेश्वर कहता जब तू ऐसे करके देगी, जब मैं तुझको वापिस करूंगा तो कैसे करूंगा, पहले मैं निकालूंगा, फिर हिलाऊंगा, फिर दबाऊंगा, फिर वापिस करूंगा, जितना तू देगी दुगना वापिस करूंगा। हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने उस विधवा का जिक्र किया जिसने एक दमड़ी डाली, क्यों प्रभु यीशु मसीह भवन में उस जगह बैठे जहां सब लोग ऑफरिंग डाल रहे थे, परमेश्वर उनको देख रहे थे, क्योंकि बलिदान परमेश्वर के अंदर घुसने का एक तरीका है। सब मर रहे थे लेकिन सारपत की विधवा नहीं मरी बलिदान के कारण। परमेश्वर ने क्या कहा, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें बोना पड़ेगा, अगर तुम्हें रूल करना है, क्योंकि चेले लड़ पड़े कहते हमसे बड़ा कौन है, कौन हम पे रूल करेगा, जब प्रभु यीशु मसीह चले जाएंगे तो हम में से बड़ा सबसे बड़ा कौन होगा। तो परमेश्वर ने समझाया कि जो तुम में से सबसे छोटा होगा, जो सर्व करेगा वो बड़ा होगा। बलिदान, परमेश्वर ने कहा जो तुम में से सबसे ज्यादा नम्र होगा उसकी प्रमोशन होगी। नम्रता क्या है, एक नम्र जीवन जीना, एक बलिदान का जीवन जीना। हालेलुया। आप रोज परमेश्वर की ग्लोरी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, पवित्र आत्मा को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसकी सामर्थ का एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, आपको रोज मरना होता है, क्योंकि रोज परमेश्वर की ग्लोरी को एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपना क्रूस उठाना पड़ता है, रोज मरना होता है। क्या है रोज मरना, कि आपका दिल कर रहा है कुछ खाएं लेकिन आपने रोजा रखा है, ये एक बलिदान है। आपका दिल कर रहा है टीवी देखने का, कोई शादी आ गई आपको संडे जाना है, लेकिन आप बलिदान देंगे और संडे उस शादी पे नहीं होंगे, क्योंकि आपका बलिदान है कि आप प्रभु के घर में होने चाहिए संडे। लेकिन आज क्रिश्चियन बलिदान नहीं देता, बलिदान नहीं देता पर आग पूरी चाहता है, लकड़ी नहीं लाता पर फायर चाहता है। तो फायर अपने आप तो आएगी नहीं, जितनी लकड़ी होगी उतनी ही फायर होगी। परमेश्वर के दिल में घुसने का तरीका है बलिदान देना, और ऐसा बलिदान देना जो आपको हिलाए और प्रभु को भी हिलाए।
और वचन फिर से पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति 8 उसके 20 में, नूह ने यहोवा के लिए वेदी बनाई, शुद्ध पशुओं शुद्ध पक्षियों में कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ा दिया। इस पर अब मैंने क्या समझाया, बलिदान वो प्रेशस था, वो जानवर वो पक्षी प्रेशस थे, अभी चढ़ाने का समय नहीं था। लेकिन जब आप कोई कीमती चीज चढ़ाते हैं तो क्या होता है, देखा, इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। आप परमेश्वर की सोच को बदल देते हैं, आप परमेश्वर को सोचने पर मजबूर कर देते हैं। पहले नहीं वो सोच रहा था, लोग बोलते परमेश्वर मूव नहीं कर रहा, वो कभी मूव नहीं करेगा। ए लड़के बंद कर दो ये करना, वो कभी मूव नहीं करेगा। परमेश्वर काम नहीं, वो कभी ऐसे काम नहीं करेगा। बाइबल कहती जैसे ही नूह ने शुद्ध पशुओं और शुद्ध पक्षियों में से, अब उसकी वैल्यू को समझो, शुद्ध पशुओं की वैल्यू को समझो। एक गाय कितने महीने प्रेग्नेंट होती है पता है किसी को, ऊंची बात में बोलो, 9 महीने है ना, 9 महीने, इतने महीने के करीब ही वो उस जहाज में रहे हैं, 1 साल के करीब। तो एक गाय एक बच्चा दे रही होगी, इमेजिन करो जब शुद्ध पशु को बलिदान किया गया तो ऐसा नहीं था पशु बहुत बढ़ गए थे, लेकिन वो प्रेशियस था। फ्यूचर की परवाह किए बगैर दिया गया बलिदान कि फ्यूचर में क्या होगा, जैसे ही उसने बलिदान दिया, लिखा इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा। परमेश्वर सोचने लगे जब बलिदान दिया। हमें कई बार लगता है कि अपने आप हो जाएगा, ये भी होकर, वो सब कुछ जानता है, वो मुझसे प्यार करता है, ये सब चीजें ठीक हैं, उसने कुर्बानी दे दी, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। रॉन्ग। ग्रेस का मतलब चुप करके बैठना नहीं है, ग्रेस का मतलब आलसी होना नहीं है, ग्रेस का मतलब बीज ना बोना नहीं है, प्रार्थना ना करना नहीं है, बल्कि और करना है क्योंकि आपको ग्रेस मिली। अब यहां क्या हुआ, लिखा जैसे उसको कीमती ऑफरिंग गई ऊपर, उसने सोचा अब वो कीमती 10 करोड़ भी हो सकता है, किसी विधवा का 10 रुपए भी हो सकता है। बात 10 करोड़ की या 10 रुपए की नहीं, बात है कि उसके पास था क्या, वो कितना उसके लिए कीमती था, कितना प्रेशियस था। लेकिन जैसे ही परमेश्वर ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि फिर परमेश्वर कहता मनुष्य के कारण मैं फिर भूमि को श्राप नहीं दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा ही होता है, परंतु जैसा मैंने जीवों को अब मारा है फिर मैं कभी नहीं मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, बोने और काटने का समय, ठंड और तपन और धूप काल और शीत काल और दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। वो रेनबो देखते हो ना बादलों में, जहाज से देखो तो पूरा गोल दिखता है, वो देखते हो ना, वो वायदा है परमेश्वर का कि जब जब तुम इस रेनबो को देखोगे, मेरा वायदा है कि मैं दोबारा तुमको कभी भी बाढ़ से नष्ट नहीं करूंगा। बाइबल पढ़ के देखो, हजारों साल पहले की ये वर्ष है, वो परमेश्वर का रेनबो है, परमेश्वर ने बनाया है कि अब मैं फिर से धरती को नष्ट नहीं करूंगा। और कहां से शुरू हुई ये कहानी, बोने से। क्या बोया, शुद्ध पशु शुद्ध पक्षी प्रेशियस भेंट बो दिया। परमेश्वर ने लिखा सुगंधदायक, उस सुगंध को पाकर सोचा, वो सोचने लगा, उसका माइंड चेंज होने लगा, ठंडा होने लगा वो, क्योंकि वो गर्म था कि ये लोगों ने, मैं इनको नष्ट कर दूंगा, बाढ़ दे दूंगा और मार दिया, और जैसे ही सेक्रीफाइस गया उसका माइंड ठंडा होने लगा, सोचा उसने। आप परमेश्वर को सोचने पे मजबूर कर सकते हैं। आपने कभी सोचा है ये, तुमने कभी ये सोचा कि परमेश्वर की सोच को तुम बदल सकते हो? हालेलुया, तुम उसकी सोच को चेंज कर सकते हो, तुम उसको तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर सकते हो। सेक्रीफाइस जिस दिन जाएगा वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेगा। कई बार लोगों की लाइफ में कर्स होते हैं, जब वो एक बीज को बोते हैं अपनी लाइफ में, अपने स्टैंड में, अपने
क्राइस्ट को कबूल करते हैं, वो बपतिस्मा ले लेते हैं, ओपनली कबूल करते हैं, पैसों का बीज या कोई भी बीज, कोई भी सेक्रीफाइस जब वो करते हैं, परमेश्वर उनके बारे में सोचता है। कम सेक्रीफाइस का मतलब है कि आप प्रभु से कम प्यार करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने हाईएस्ट सेक्रीफाइस किया है उन लोगों के नाम आज तक याद किए जाते हैं। हालांकि वो ह्यूमन थे, मिस्टेक्स थी, फिर भी उनको याद किया जाता है, क्योंकि उन्होंने सेक्रीफिशियली कुछ ऐसे काम किए जो कभी नहीं हुए थे। इस टीचिंग को हम दोबारा से सेकंड पार्ट, अगला पार्ट अभी प्रीच करना पॉसिबल नहीं होगा, इसके आगे क्या अगले संडे हम या थर्सडे सुनेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो बलिदान दे अपनी हर कीमती चीज परमेश्वर को, तो वो तेरे बारे में सोचेगा और जिंदगी सेम ना रहेगी। ओ आमीन, खड़कने वाला चाहिए चर्च।